नमस्कार, मैं अनुराधा और आप देख रहे हैं तिथि नजर इंडिया न्यूज चैनल। अलौली विधानसभा क्षेत्र से राजद के भावी प्रत्याशी राम सज्जन पासवान का संभवतः टिकट फाइनल हो चुका है। राम सज्जन पासवान के समर्थक में वहां की जनता पूरे जोर शोर से क्षेत्र में एकजुट होकर राम सज्जन पासवान को जिताने का रणनीति बना रही है। राम सज्जन पासवान अपने क्षेत्र में विकास के लिए इस बार पूरी ताकत झोंक देंगे। राम सज्जन पासवान ने कहा कि अरौली विधानसभा क्षेत्र की तमाम जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। इस बार हम चुनाव जीतकर अरौली विधानसभा के विभिन्न समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। पटना से राजेश कुमार की खास रिपोर्ट। सज्जन पासवान जी का टिकट फाइनल है, क्या कहेंगे वहाँ की जनता की क्या राय? वहाँ की जनता आज माननीय बिहार प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव जी से भेंट किए। लगभग 300-400 आदमी थे हम लोग। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा जो रिपोर्ट जो विजिलेंस जो पार्टी का गोपनीय गया था उसमें सज्जन पासवान का एक नंबर में नाम आया है। हम लोग पुनः विचार करके राम सज्जन पासवान को अलौली विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बना रहे हैं, आप लोग जिताने का काम कीजिए। तो हमने कहे पटना बिहार के पहला आदमी होगा जो सज्जन पासवान जीत का आएगा। अजय बाबा, लगभग सज्जन पासवान जी का टिकट तो फाइनल है, कितने हजार वोट से उनको जितवाने का आप काम करेंगे? 35,000 वोट से जिताएंगे जी। वहाँ की जनता के लिए क्या संदेश देंगे? जनता यही मान रहा है, जो हम विधायक मेरा बात मानेगा उसको वोट हम देंगे। सज्जन पासवान 10 साल मुखिया रहा, 10 साल पंचायत समिति रहा। इनकी कार्यकलाप से पूरे प्रखंड में, पूरे विधानसभा में इनका एक छाप है। ये गांधी है, न किसी को लेते हैं, न डालमा में रखते हैं, न ठगते हैं। जनता का जो सच्चाई काम होता है वो करते हैं। सज्जन पासवान से भी एक बार बात करते हैं। सज्जन जी, लगभग टिकट आपका फाइनल है, इस बार क्षेत्र में कैसी तैयारियां हैं आपकी? तैयारी तो बहुत हद तक हम लोग किए हुए हैं, सिर्फ आशीर्वाद मिले हम लोगों को जीत जाएंगे। कितने वोट से जीतेंगे? गार्जियन जो कह दिए, इनका बर्म लकीर है, इनका कहना एक टू जेड। आज तक 20 सालों से जो कहे हैं उतना से ही जीतते हैं, जीते आए हैं। सज्जन पासवान जनता के लिए क्या करेंगे? जनता के लिए वहाँ की जो समस्या है हम लोग पूरा करने की काम करेंगे। जो भी समस्या आएगी आप जा रहे हैं जनता के बीच? हाँ, किन किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? स्वच्छ और शिक्षा, दो चीज़ वहाँ का बहुत समस्या है, उस चीज़ को हम लोग दूर करने का काम करेंगे। लेकिन इस बार तो रोजगार मुद्दा लग रहा है, रोजगार के बारे में, रोजगार प्लान मुद्दा। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.